नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको विलोम शब्द के बारे में बताऊंगी। विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। तो व्याकरण में हम शब्दों के अर्थ और विपरीत शब्द दोनों सीखते हैं, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में और प्रतियोगी जो कंपटीशन वाली परीक्षाएं होती हैं उन सभी में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करें। पहला शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद का विलोम होता है शाप, श्राप भी लिख सकते हैं इसको, और शाप भी। उत्पत्ति, उत्पत्ति का विलोम है विनाश। अद्यतन, अद्यतन का विलोम है पुरातन। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम है ज्येष्ठ। ध्वंस, ध्वंस का विलोम है निर्माण। कृतज्ञ मतलब ओबलाइज्ड, कृतज्ञ इसका विलोम है। निर्मल, मलिन। पुरस्कृत, दंडित। आप एक अर्थ समझ जाएंगे तो दूसरा विपरीत समझ में आ जाएगा। चेतना, विलोम है मूर्छा। आलस्य, आलस्य का विलोम है उद्यम या परिश्रम। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। उत्कर्ष, अपकर्ष। निष्क्रिय का विलोम है सक्रिय। कुख्यात का विलोम है विख्यात। क्रुद्ध, क्रुद्ध का विलोम है शांत। नश्वर, शाश्वत। निरक्षर, साक्षर। चतुर का विलोम है अनाड़ी। प्रलय का विलोम है सृष्टि। कटु का विलोम होता है मधुर। निंदा का स्तुति। निर्माण का अर्थ होता है बनाना और इसका विपरीत विलोम होता है विनाश। प्रस्थान का विलोम होता है आगमन। प्रस्थान जाना, आगमन आना। तो आशा है आपको ये विलोम शब्द अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप इन्हें याद कर लेंगे और परीक्षाओं में सही उत्तर लिखेंगे ताकि आपको पूरे अंक प्राप्त हो सके। देखते रहिए लॉजिक टच।